कैसे मेरे प्यारे लॉलीपॉप भाइयों, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग वही लेक्चर सीरीज लेकर के चल रहे हैं क्लास 12th मैथ का। हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जो ये पिछले वीडियो है इसका, अगर आप लोग वो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जा करके जरूर देखिए। आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लगातार सेव है, समझे, जा करके वो वीडियो देखो और बताए कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास वीडियो को फेंका करें ताकि वह भी देख ले। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 3 में गुणा भी था, जोड़ वाला भी था। इसमें क्या दिया है, यदि A बराबर इतना मैट्रिक्स दिया है और B बराबर मैट्रिक्स इतना दिया है और C बराबर मैट्रिक्स इतना दिया है, तो हमसे क्या बोला है, A प्लस बी और B प्लस सी परिकलित करने के लिए बोला है। यानी A प्लस बी निकालना और B माइनस, ओ माय गॉड, A प्लस बी और B माइनस सी हमको निकालना है। A प्लस बी और B माइनस सी ही हमको निकालना है और साथ ही साथ इस बतिया को भी प्रूफ करना है। a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। इसी नियम को क्या करना है, फॉलो नहीं, प्रूफ करना है। देखो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, देखो पहला नंबर हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं, a माइनस बी और b माइनस सी निकालने वाले हैं। तो पहले निकाल लो मेरे प्यारे भाई a प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, जो कि हम डायरेक्ट निकालने के काम करेंगे। अब उतना बबुआ जैसा लिख लिख के हल करवाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन भी जाएगा और ज़्यादा मार्कर भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। देखो ए प्लस बी थी, यहीं से जोड़ लेते हैं हम लोग। ए इतना है, बी इतना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ो। एक प्लस तीन चार होगा, दो माइनस वन वन हो जाएगा, माइनस तीन प्लस दो माइनस में वन हो जाएगा, माइनस तीन प्लस में दो माइनस में वन। पाँच प्लस चार क्या होगा, पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। पाँच माइनस चार, पाँच प्लस चार नौ होगा, जीरो प्लस दो दो होगा, दो प्लस पाँच हमारा सात होगा, एक प्लस एक तीन होगा, माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन, एक प्लस तीन चार होगा। निकाल लिए, और क्या निकालना है, ये एक हमारा आंसर हुआ जो कि यहाँ बोल रखा है ए प्लस बी निकाले। तो ए प्लस बी निकाले तो हम लोग ए प्लस बी निकालिए। क्वेश्चन एक बार अपने से रिपीट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सभी तो ढंग से लिखे हैं ना। माइनस वन चार दो पाँच जीरो तीन, ठीक है, चार वन यानी फोर वन टू जीरो थ्री टू वन, ठीक है ठीक है। देखो अब हमको निकालना है बी माइनस सी, बी माइनस सी निकालना है। देखो पहले बी लेंगे बाद में सी लेंगे, तो देखो बी माइनस सी यानी तीन में से चार घटाओ माइनस वन आएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, दो माइनस दो जीरो बनेगा, चार माइनस जीरो चार बनेगा, दो माइनस तीन माइनस वन बनेगा, पाँच और माइनस दो करेंगे तो तीन बनेगा, दो माइनस एक एक बनेगा, जीरो माइनस टू माइनस माइनस में टू, जीरो माइनस माइनस में टू, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस में टू आएगा, तीन माइनस तीन हमारा क्या आएगा जीरो। यह भी एक हमसे पूछा है तो एक पार्ट ये हमारा आंसर हो गया। और देखो और भी बोला है प्रूफ करे, सत्यापित करे, शो करे कि इतना बराबर इतना होगा। तो देखो हमको शो भी करना है ना, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को शो करते हैं। सेकेंड पार्ट को शो करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी, तब करना है माइनस सी, इसी को प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लेकर के चलते हैं। देखो LHS में क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a a क्या है हमारा, यही है वन टू माइनस थ्री, फाइव जीरो टू, वन माइनस वन और वन प्लस है। बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या है, माइनस वन माइनस टू जीरो, फिर क्या है
फोर माइनस वन और थ्री, वन टू और जीरो है, इसी को ऐड करो। वन प्लस माइनस में वन घट करके आएगा जीरो, टू प्लस माइनस में टू घट करके आएगा जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो आएगा माइनस तीन, पाँच प्लस चार आएगा नौ, जीरो प्लस माइनस वन आएगा माइनस वन, दो प्लस तीन आएगा पाँच, आएगा ना। यहाँ देखिए, वन प्लस वन टू, माइनस वन प्लस टू घट के आएगा वन, माइनस में वन है टू है घट के आएगा वन, वन प्लस जीरो वन आएगा। यह हमारा LHS पार्ट आया। इधर आने वाला है क्या, कौन सी पार्ट? RHS पार्ट। RHS है क्या? ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी क्या है? चार नौ तीन, एक दो माइनस वन, क्या है? माइनस वन। और क्या? माइनस वन सात चार, माइनस सी करो, सी क्या है? चार एक दो, जीरो तीन दो, वन माइनस टू और थ्री, यही ना है। देखो क्या होगा, चार माइनस चार जीरो होगा, एक माइनस एक जीरो होगा, तीन माइनस दो, माइनस में वन माइनस दो, माइनस में तीन होगा, नौ माइनस जीरो क्या होगा? नौ होगा, दो माइनस तीन माइनस वन होगा, सात माइनस दो पाँच होगा, तीन माइनस वन दो होगा, माइनस वन माइनस में टू वन आएगा, चार माइनस में तीन वन आएगा। देखो तो दिख रहा है ना, दोनों और बराबर बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसी बुढ़वा हिल रहा है, प्रूफ समझे। देखो जो प्रूफ करने के लिए, यानी हम हमसे बोला था ये LHS और RHS को इसी की सहायता से प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। इसी आप लोग स्क्रीन शॉट ले, बार बार देखे, मल्टीपल बार देखे। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को पढ़ने वाले हैं। फाइव नंबर क्या दिया? मैट्रिक्स ए दे दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को, मैट्रिक्स ए दे दिया है और मैट्रिक्स बी दे दिया है। हमसे निकालना है ये थ्री ए माइनस बी, जितना ये आपको दिख रहा है यही हमको निकालना है, थ्री ए माइनस फाइव बी निकालना है, समझे। तो कैसे बनेगा? आसान है, जो डाटा निकालना है उसको लिखिए। क्या निकालना है हमको? थ्री ए माइनस फाइव बी निकालना है। देखो थ्री ए यही ना ए है, तीन से हर एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है? दो बटे तीन, एक बटे तीन, सात बटे तीन, एक दो बटे तीन दो, पाँच बटे तीन, चार बटे तीन, दो बटे तीन, माइनस फाइव बी। बी की जगह पर क्या है? दो बटे पाँच, एक बटे पाँच, सात बटे पाँच, दो बटे पाँच, दो बटे पाँच, छः बटे पाँच, एक चार बचे बटे पाँच और दो बटे पाँच, यही ना है। देखो हम क्या करें, जब भी मैट्रिक्स में गुणा होता है, मैट्रिक्स में जब भी गुणा होता है तो हर एक एलिमेंट में, जितना एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, सभी एलिमेंटों में किसी कांस्टेंट से गुणा हो जाता है। देखो तो इसमें तीन से गुणा करेंगे, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो ये तीन तीन कट कर बचेगा क्या? दो। इसमें तीन से गुणा करेंगे तो तीन, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? पाँच। इसमें तीन से गुणा करेंगे तो एक, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो दो, इसमें तीन से तो तीन कट के बचेगा चार, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो सातें बचेगा, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो छः, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? दो। हर एक एलिमेंट में तीन से गुणा कर दिए, इसमें पाँच से गुणा करो, पाँच से गुणा करेंगे तो पाँच कट के बचेगा दो, इसमें भी पाँच कट करके बचेगा दो, यहाँ वन नहीं, पाँच से पाँच गुणा करेंगे तो पाँच होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ भी कट करके चार आएगा, यहाँ कट कर सात आएगा,
यहाँ कट करके 6 आएगा और यहाँ कट करके क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। यहाँ घटाओ, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 बराबर 0, 3 माइनस 2 बराबर 1, 5 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ भी कुछ डाटा उल्टा लिया गया है, यहाँ 3/5 है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे 3/5 है, क्या है, तो यहाँ भी आने वाला है क्या चीज़, 3 है। 3 माइनस 3 बराबर 0, 1 माइनस 1 बराबर 0, 6 माइनस 2 बराबर नहीं, 2 माइनस 2 बराबर 0, 4 माइनस 4 बराबर 0, 7 माइनस 7 बराबर 0, 0 0। यानी क्या आने वाला है हमारा, 0 मैट्रिक्स। यानी इन दोनों को लेकर के जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से हम लोग के कौन सी मैट्रिक्स आएगा, 0 मैट्रिक्स, जो कि हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा। यानी जो डाटा दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई किए हम लोग 3 से, तो जो नंबर ये 3 दिख रहा है आप सभी को, जो ये नंबर 3 दिख रहा है, ये 3 हर एक एलिमेंट में हम लोग गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, वैसे देखो ये 3 को हर एक एलिमेंट में गुणा करेंगे। यहाँ नीचे जितना भी 3 दिख रहा है ये मल्टीप्लाई से खत्म हो जाएगा, और यहाँ जो आपको 5 दिख रहा है ये 5 भी हर एक एलिमेंट में हम लोग गुणा किए हैं। जब 5 से हम लोग हर एक एलिमेंट में गुणा किए हैं तो नीचे आप सभी को जितना भी 5 दिख रहा है ये सभी 5 खत्म हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे 5 और केवल 1 था, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या ला दिए, 5। और माइनस करने के बाद हम सभी को कौन मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, 0 मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिनके सभी अवयव क्या हो, 0 हो। देखो सभी अवयव 0 है कि नहीं है, इसको हम लोग कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। इसके भी आगे और सारा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट करें, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सरल कीजिए। सरल करने के मतलब क्या करना है, हम लोगों को छोटा करना है, इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम लोग करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और जितना छोटा करने के बाद आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप सभी को बताए थे हम, जब भी किसी कॉन्स्टेंट से गुणा करते हैं तो हर एक अवयव में गुणा होगा, जितना अवयव अंदर होगा सभी अवयवों में हम लोग गुणा करके चलेंगे। देखिए जैसे कॉस और कॉस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस और माइनस साइन गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में क्या बनने वाला है, कॉस थीटा। कॉस और साइन को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस और कॉस को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, यही। अब देखो प्लस हम लोग साइन थीटा को अब गुणा करने जा रहे हैं, किसको गुणा करेंगे हम लोग, साइन थीटा को। देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन थीटा के गुणा करने पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ क्या है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जुड़ेगा इसके साथ, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है।
आप सभी को याद होगा, क्लास टेंथ में ये पढ़ना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। यहाँ पर वन लिखा गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये खत्म हो गया माइनस प्लस से, जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसका भी काम खत्म कर चुके हैं हम, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन आप सभी के आंखों के सामने हाजिर है, इसे आप लोग नोट कर ले, हम इसे मिटाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए। सात में दो क्वेश्चन है और जब सात में दो क्वेश्चन है तो दोनों क्वेश्चनों को बनाने के लिए भाई स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। मिटा लो, जो मजा मिटाने में हो बनाने में थोड़ी ना है, बना लिए हम लोग, मिटा लिए। अब देखो ये इक्वेशन, जैसे टेंथ क्लास में आप सभी लोग कभी देखे होंगे इस टाइप के चेहरा देखे होंगे, 2x प्लस 2y बराबर फलान ढकान कुछ भी रहेगा, यहाँ मान लेते हैं 10 है, यहाँ भी दे देगा x माइनस वाई बराबर 20 दे देगा, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू मान करके हल कर रहे थे, वही काम इसमें करिए। देखो ये मान लिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, जब ये दो इक्वेशन मान लिए, देखो y प्लस में ये माइनस में है तो दोनों को जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, प्लस में y माइनस में y कट गया, x और x क्या होगा 2x, ये दोनों को जोड़ दो, 7025 प्लस 3003, तो 2x बराबर सात में तीन जोड़ेंगे 10, दो में जीरो जोड़ेंगे 2, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, पाँच में तीन जोड़ेंगे 8 होगा। यहाँ से x का मान निकालना है तो 1/2 करेंगे, 1/2 0 2 8। देखो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, देखो 1/2 ले 10 ले गुणा करेंगे तो कट के क्या बचेगा 5, 1/2 ले 2 ले गुणा करेंगे तो कट के बचेगा 1। देखो 10 ले अगर 1/2 से अगर हम लोग गुणा करें तो क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ 2 है, अगर हम लोग 2 से 1/2 से गुणा करें तो यह भी कट करके क्या आएगा 1 ही निकलने वाला है, तो यह भी कट कुट करके 1 आएगा। 0 में 1/2 से गुणा करेंगे 0, 1/2 ले 8 ले गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 4 आएगा, आया कि नहीं आया। ये तो अभी x का मान निकला, y के मान निकालने के लिए भी वही मेहनत करेंगे, इधर जगह है तो काहे कि खामोखा मेहनत करना है। समीकरण 1 इम्प्लाइज लिखते, 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7025, यही ना है, एक्स की जगह पर इतना मान को हम लोग पुट करेंगे, पुट करो एक्स की जगह पर 5014 प्लस वाई बराबर 7205 है ना, तो वाई बराबर इसको इस साइड में फेंक दो 7025 माइनस, देखो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में आएगा 5014, तो यहाँ से y का मान निकलेगा, सात में से पाँच घटाएंगे दो, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, दो में से एक घटाएंगे एक, पाँच में से चार घटाएंगे एक, यही हमारा आंसर हुआ। ये y के मान हुआ, ये x के मान हुआ, ये दोनों आंसर निकल के आया कि नहीं आया, ये दोनों आंसर निकल के आ गया। हमसे पूछा था x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, तो हमने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया। साथ ही साथ 7 के दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, समझे, 7 में दो दो क्वेश्चन है तो आइए उसको भी हम लोग लिख लेते, इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग। तो आइए अब हम लोग 7 का नंबर 2 पढ़ते हैं, 7 का दूसरा नंबर भी ये इक्वेशन टाइप ही क्वेश्चन दिया है, दूसरा है, और इसमें भी x का और y का मान निकालना है जो कि मैट्रिक्स के रूप में ही निकल के आने वाला है, जो x का मान निकलेगा और y के मान निकलेगा वो मैट्रिक्स के रूप में ही निकल के आएगा, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स देखते हैं। देखो
अच्छा इसको क्या करेंगे, किसी ना किसी को हटाना तो पड़ेगा ही, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए देखो हम सोचते हैं वाई को कटा ले, क्या कर ले, वाई को कटा ले। ये 3 है ये 2 है, कैसे कटा ले? तो जैसे आप लोग 10th क्लास में इक्वेशन पढ़े थे ना गुणा भाग करके कटाने वाला, वैसे ही दिमाग लगाइए और कटाइए। देखो ये 3 है तो इसको 6 बना लेते हैं, और ये 2 को 6 बना लेते हैं। देखो इस 3 में 2 से गुणा करने पर 6 बन जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे, इस 2 में इस 3 से गुणा कर दो, तो इस इक्वेशन में हम लोग गुणा करेंगे 3 से। देखो और देखो दोनों का साइन प्लस प्लस है, जब दोनों का साइन प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे। तो देखो समीकरण 1 × 2 − 2 × 3, घटाने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, 2 × 2 = 4x प्लस 3 × 2 = 6y बराबर। देखो मैट्रिक्स क्या आएगा, सभी अवयवों में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा इसमें भी होगा, इसमें होने का मतलब सभी अवयवों में 2 × 2 = 4 आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा, 4 × 2 = 8 आएगा, 0 × 2 = 0 आएगा, समझे? अब इसको हल करो। देखो 3, देखो 3 से 3 में गुणा करेंगे 9x, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6y। देखो इसको भी हल करो, देखो 3 × 2 = 6, 3 × −2 − 6, 3 × −1 − 1, 5 × 3 = 15। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो −1 × 3 − 3 आने वाला है। देखिए हम किए घटाने पर, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया माइनस, देखो 4x माइनस में 9x माइनस में 5x, घटाओ भाई इसको भी, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, देखो घटा रहे हैं यहाँ 4 − 6 = −6 − 6 − 3 − 15। देखो क्या होगा, माइनस में 5x बराबर, देखो 4 में से 6 घट गया माइनस में 2, माइनस देखो 6 में से माइनस माइनस 6 करें तो माइनस माइनस प्लस 6 × 6 = 12 हो जाएगा, क्या होगा 12। 8 माइनस माइनस में 3 तो 8 × 3 = 11 जुट जाएगा, 8 − 15 यानी आएगा माइनस में 60, समझे? तो ये x, ये माइनस 5 इधर भाग में लग जाएगा, तो x बराबर हर एक पद में भाग दो, −2 / −5, 12 / −5, 11 / −5, −7 / −5, तो x बराबर देखो ये माइनस माइनस खत्म, 2/5 −11/5, 12 / −5 यानी 7/5, यही हमारा क्या हुआ x का मान हुआ, मिला लो 3.2 है, 7 का दूसरा है, ये हमारा किसका मान निकला, अभी ये मान निकला हमारा x का मान, समझे? ये x का मान निकला, x का मान 2 12/−5, ठीक है −11/5 और 3 आएगा। देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, 0 − 15, यहाँ माइनस में 15 होगा, यहाँ भी माइनस में 15, ये माइनस माइनस कट किए 3 बार में कटेगा, यानी यहाँ क्या आएगा 3 आएगा हमारा, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। x का मान हम लोग निकाल लिए, अब किसका बाकी रह गया, y का मान। तो देखो समीकरण 1 इम्प्लाइज लेकर के चलो या फिर 2 इम्प्लाइज लेकर के चलो, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 2 3 4 0, यही ना है। देखो x की मान जो है वहाँ पुट कर दो, देखो x की मान इतना पुट करेंगे तो 2 × देखो क्या है 2/5 −11/5
और 12 - 12/5 और 3, यही ना है, प्लस में 3y। देखो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 0 है। ढंग से समझ लेना, देखो 2 से गुणा करो, 2 × 4/5, 12 × 24 -24/5, 11 × 22 -22/5, 3 × 6 +3y। देखो ये क्या है, 2430। हमको मान किसका निकालना है, y का, तो लिखेंगे 3y बराबर इतना क्या है, 2340। उसमें से माइनस क्या करेंगे, इतना को 4/5 -22/5 -24/5 और 6। 2 - 4/5, 2 - 4/5 तो 5 × 10 में से 4 घटाओ, 10 - 4/5 यानी 6/5, यहाँ आएगा 6/5। 3 - 24/5, देखो 3 माइनस, यह भी एक माइनस है, क्या है, यह भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 24/5, तो 5 × 3 = 15, 15 में 24 जोड़ेंगे क्या होगा, 15 में 24 जोड़ेंगे 39/5। ये देखो ये 4 है, ये 0 है, देखो 4 - 22/5, 4 - 22/5, 5 × 20 में से 22 घटेगा 2/5, 0 - 6 -6, ये -2/5। देखो अब क्या करेंगे, ये भाग में लग जाएगा तो y बराबर 6/ में भाग में लग जाएगा तो 5 × 3 आएगा, यहाँ यहाँ 39/ में 5 × 3 आएगा। यहाँ पे उल्टा लिख दिए, 4 - -22/5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो 4 + 22/5, 5 × 20 22 42 है, यहाँ पर आएगा माइनस में 42/ माइनस नहीं प्लस में 42/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 42/5 गुणे 3, ये 3 भागा में हुआ, तो यहाँ -6/3, यही ना होगा। देखो y बराबर ये कट गया 2 बार में, तो ये 2/5, ये कट गया 13 बार में, तो ये आएगा 13/5, ये भी कट गया 14 बार में, तो ये आएगा 14/5, ये कट गया 2 बार में, तो ये आएगा -2। ये हो गया हमारा y का मान, और कहाँ है, हाँ ये हो गया हमारा x का मान, x का भी मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए। ये था 2 क्वेश्चन हम लोगों के, समझे, तो आज इतना ही, हम लोग वीडियो को लास्ट करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।